गाइस अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज घर पे चिकन स्टू बन रही थी तो सोचा मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ ये सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सिंपल है बट बहुत यम्मी बनता है। तो मम्मी ने यहाँ पे चिकन में दही, नींबू और नमक मिला दिया है, इसे थोड़ी देर के लिए हमें मैरिनेट करना है। साथ ही मम्मी ने मिक्सर पे ग्रीन चिली काजू डाल दिया है और लहसुन भी जाएगा इसमें। यहाँ पे आप पॉपी सीड जा रही है, इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। यहाँ पे लहसुन और ये यहाँ पे अदरक भी मम्मी ने मिलाया है, साथ ही मम्मी ने प्याज को भी ऐड किया है और इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद इसे भी चिकन में हमें मिला देना है और इसे अच्छे से मैरिनेट करके हमें थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो गाइस ये बहुत सिंपल होता है बट बहुत यम्मी, और मम्मी इसे रोटी में बनाती है तो इसे हमें रख देना है थोड़ी देर के लिए। अभी हम लोग पैन को चढ़ा देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं गाइस ऑयल कैसे मतलब जब गर्म हो जाएगा। उसके बाद हमें सूखी मिर्च डालनी है, तो अभी मम्मी ने यहाँ पे सूखी मिर्च डाल दिया है। यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसे मम्मी ऐड कर रही है ऑयल में, उसे अच्छे से फ्राई करना है हमें। तो यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हैं मम्मी डाल रही है, और यहाँ पे जितना भी चिकन का मसाला था वो भी मम्मी ने डाल दिया। और यहाँ पे हमें ढककर रखना है थोड़ी देर के लिए। गाइस देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, ये बहुत यम्मी दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने गरम मसाला ऐड किया है एंड दैट्स इट, रेडी हो गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।